वेफर्स मेकिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? मीठा किसे पसंद नहीं होता है? आज हम एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जिसकी डिमांड हर वर्ग के लोगों में है, बच्चे हो या बड़े, सब इसे खूब पसंद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरकुरे, मीठे, पतले, सपाट, हल्के कुकीज जैसे दिखने वाले वेफर्स की। इनका इस्तेमाल आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक गार्निशिंग के लिए किया जाता है और बहुत से अलग अलग तरह के बिस्किट्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इस बिजनेस की बात करें तो इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हर छोटी बड़ी दुकान, मॉल, हर जगह ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। बढ़ती हुई डिमांड के कारण आज यह सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। तो आप भी इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नंबर 1, वेफर मेकिंग बिजनेस के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स। बेकिंग ओवन, शुगर मिलिंग मशीन, बटर मिक्सिंग मशीन, वेफर क्रीमिंग मशीन, वेफर शीट मेकिंग मशीन, बुक कूलर मशीन, वेफर कटिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, कनेक्टिंग कन्वेयर, कंप्रेसर, स्टोरेज टैंक, बिन्स। नंबर 2, वेफर्स मेकिंग बिजनेस के लिए जरूरी रॉ मटेरियल। मैदा, मेज स्टार्च, मिल्क पाउडर, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स, सोया लेसिथिन, सॉल्ट, शुगर, सोडा। नंबर 3, जगह का चुनाव। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 4000 से 5000 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। बिजनेस के लिए जगह आपके बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करती है। लो लेवल पर स्टार्ट करने के लिए आपको 1000 से 2000 तक की जरूरत होगी। नंबर 4, वेफर्स मेकिंग प्रोसेस। वेफर्स बनाने के लिए पहले सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्सचर में डालकर उनका बैटर या क्रीम बनाई जाती है और उसकी एक शीट तैयार की जाती है। उसके बाद इस शीट को वेफर ओवन में बेक किया जाता है। इसके बाद इन शीट्स को कन्वेयर की मदद से बुक मेकिंग मशीन में भेजा जाता है। फिर इन शीट्स को ठंडा करके इन शीट्स पर क्रीमिंग होती है और आखिर में कन्वेयर की मदद से आगे बढ़ाकर इन शीट्स को पैकिंग के लिए भेजा जाता है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कितना होगा? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी पहलू होता है। इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 लाख की जरूरत होगी और बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए लगभग 70 से 80 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। छोटे स्तर पर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन और बड़े स्तर पर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का यूज कर सकते हैं। नंबर 6, मुनाफा कितना होगा? मुनाफे की बात करें तो आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप रोज का 400 से 500 किलोग्राम प्रोडक्शन कर मार्केट में उसे 90 से 100 रुपए प्रति पैकेट बेचते हैं तो आप लगभग 35,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। नंबर 7, किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन, FSSAI, फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत होगी। तो ये थी वेफर मेकिंग बिजनेस की पूरी जानकारी। तो आज ही शुरू करें वेफर्स मेकिंग बिजनेस और कमाएं अच्छा मुनाफा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।